मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भी न्यूज। उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामापति राम त्रिपाठी के लिए वोट मांगने आए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है कांग्रेस वो अब 50 साल में नहीं कर पाई है। यह सब आपके सामने उन्होंने साफ भाजपा गठबंधन का नाम लिए बिना कहा कि जो एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, हंसते थे, वो आज दोस्त बन गए हैं। आज गले में गला डालकर घूम रहे हैं। फिल्म गाने के जरिए तंज कसते हुए कहा कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वह शुक्रवार को आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में देवरिया लोकसभा सीट प्रत्याशी डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित चुनाव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में तय करना होगा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवाद व आतंकवादी संगठनों के आगे घुटने टेकने वाली मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए या आतंकवाद व आतंकियों की संगठनों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है, गांव गरीब किसान मजदूर कल्याणकारी कैसे हो, देश सुखी समृद्धि संपन्न कैसे हो और शक्तिशाली कैसे बने, दुनिया हमें सुपर इकोनॉमी पावर कैसे बने, देश के जनता को गरीब से मुक्त कैसे मिले, नौजवानों के हाथ में काम कैसे मिले, हम इसकी चिंता करते हैं। देश में किसी बात की कमी ना हो, पानी की ना जमीन की कमी हो, तो अच्छे नेतृत्व की, अच्छी नीतियों की वह सही क्रियान्वयन है कि मोदी के नेतृत्व में हमने कर दिखाया। हम केवल गंगा की नहीं बल्कि इससे मिलने वाली उपनदियों की भी सफाई करवा रहे हैं। पहली बार गंगा अविरल पानी कुंभ में लोगों ने बिना झिझक के स्नान किया। हमने अभी केवल 30% कार्य पूर्ण किए हैं, अगले मार्च तक 100% कार्य पूर्ण होंगे। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस वी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।